खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर जिला मुख्यालय भिनगा के जूनियर हाई स्कूल भिनगा में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक जूनियर हाई स्कूल भिनगा में संपन्न हुई। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा के जूनियर हाई स्कूल में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला अध्यक्ष निर्मल शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री सुभाष चंद्र ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने कहा कि शिक्षा मित्र श्रावस्ती को निपुण बनाने में हर प्रकार का सहयोग कर रहा और करेगा, लेकिन 18 अक्टूबर 2023 को संगठन और सरकार के मध्य हुए समझौते पर कार्यवाही शुरू होने में विलंब हुआ तो लखनऊ पहुंचने में भी शिक्षा मित्र देर नहीं करेगा। जिला अध्यक्ष ने अपील की कि सभी शिक्षा मित्र अपने विद्यालय को निपुण बनाकर विभाग और सरकार के मंशा को सफल बनाएं। बैठक को संबोधित करने वालों में जिला उपाध्यक्ष हितेंद्र पांडे, मोहम्मद मुकीम, कोषाध्यक्ष रामचल, मंत्री महेश मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष इकोना राकेश राव, हरिहरपुर रानी, अनंत राम तिवारी, गिलौला से राम शंकर शरण शुक्ला, सिरसिया अशोक कुमार आदि लोगों ने भी संबोधन किया। बैठक में प्रमुख रूप से प्रवीण कुमार पांडे, अर्जुन दुबे, अमेरिका प्रसाद, प्रवीण वर्मा, अनामिका सिंह, पूनम देवी, नंद किशोर यादव आदि शिक्षा मित्र मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस बैठक का आयोजन करते हुए आगामी रणनीति बनाई गई। शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षशील हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए वो श्रावस्ती से लेकर लखनऊ तक कूच करने को तैयार हैं। इसके बारे में तमाम तरह की जानकारी दी गई और लोगों से राय भी ली गई। जिला अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने बताया कि शिक्षा मित्र अपने अधिकारों को लेकर लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, वर्षों से उनका कार्य चल रहा है, जिसके चलते पठन पाठन जिले में सुचारू हो रहा है और इस पठन पाठन को बनाए रखने के साथ साथ शिक्षा मित्रों का हक भी उन्हें चाहिए, जिसके लिए लगातार शिक्षा मित्र संगठन लड़ाई भी लड़ रहा है। नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे, नहीं थकेंगे। जय शिक्षा मित्र, जय भारत, जय भारत।